नमस्कार, भोपाल से मैं अजय भटनागर आ गया। चुनाव कार्यक्रम में आपका खास स्वागत है और हम बात करेंगे आज नव मतदाताओं से जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। जो युवा मतदाता है वो इन चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद है युवा मतदाता, हम उनसे बात करेंगे। ये जो अभी जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण का चुनाव होने वाला है, सबसे पहले तो लोकसभा चुनावों को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मेरा कहना ये है कि सभी जो भी हमारे एज के यूथ है आज का, उसको सभी को वोट डालना चाहिए। घर में बैठ के छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं चुनावों में क्या मुद्दे होना चाहिए जिन पे कि युवा मतदान करे? युवा ऐसे तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पे उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी हुआ था ना कि इतने पे नॉइज नहीं करना है, लेकिन उन लोगों को लगता है काफ़ी सारी ऐसी वो लेते हैं, एक्शन लेते हैं, पर वो हमारे लिए सही नहीं रहते ऐसा माना जाता है। जैसे कि अभी मैं पर्सनली जनरल कैटेगरी से ब्लॉक करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण हटाना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब जहाँ पर मैं 80% लाकर भी नहीं जा पा रही हूँ, तो वो ऐसी ओबीसी को नॉर्मली 60 पे मिल जा रहा है, तो फिर मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है ना, तो उस पर कुछ करना चाहिए उनको। नहीं, युवाओं के तमाम सारे मुद्दे होते हैं, इसमें जो आपने आरक्षण वाला मुद्दा उठाया है कि आरक्षण नहीं, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए आरक्षण जो मुद्दा है, वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये विडंबना देखने को मिलती है कि एमपी एमएलए जो बनते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी से जो होते हैं, वो काफी हाई, उनके पास हर चीज की फैसिलिटीज होती है, फिर भी उनके बेटे जो होते हैं वो 60% मार्क्स ला के अच्छे खासे मतलब हो जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के जो गरीब परिवार से होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही उनकी कंडीशन खराब होती है, फिर भी वो 80% मार्क्स लाने के बाद नहीं उनका हो पाता है क्वालिफाई, तो सुसाइड कर लेते, तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, मतलब कह सकते हैं। और दूसरी चीज की अभी के युवा को ये जानना चाहिए कि बैलेट जो है वो बुलेट से काफी ज्यादा ताकतवर है, इस चीज को समझना होगा, और युवा ही देश का भविष्य बदल सकते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सुधार कर ले तो विवेकानंद जी के विचारों से चले तो आसानी से कह सकते हैं कि बैलेट जो है बुलेट से ज्यादा, मतलब वोट एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर आरक्षण की जो बात होती है तो आरक्षण ये सोच के दिया गया था कि जो जातियां पिछड़ी रही हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाया है, तो कुछ समय उनको मौका देना चाहिए, जिससे कि वो भी बराबरी पे आके और उनके साथ खड़े हो सकें। जी बिल्कुल, वो कुछ हद तक अभी हो भी रही है और होनी भी चाहिए, ये जरूरी भी आरक्षण तो चाहिए, लेकिन उसे आर्थिक आधार पे कर दिया जाए, जिससे कोई भी कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, जो पैसे वाले लोग हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है उन्हें सरकार उस तरह की मदद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वोट भी आरक्षण के आधार पर ही लेने चाहिए अगर फिर लेते हैं तो। तो आरक्षण के आधार पर वोट होते हैं, जैसे कि जो कुछ सीट निर्धारित होती है, कुछ सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, जहां उनके बाहुल्य होता है, जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं तो वहां आदिवासियों के लिए कैंडिडेट होते हैं, एससी एसटी के लिए भी रिजर्व सीटें होती हैं, तो वो तो होता है पहले से। पर ऐसा क्यों, सबको इक्वल करना चाहिए ना, एक वोट वो मतलब एक साथ रखती है ना, एससी की भी वही है, वही वैल्यू रहेगी, जनरल की भी वही वैल्यू है, एक वोट की तो वही वैल्यू रहती है, तो आरक्षण इसलिए क्यों कर रहे हैं? हर चीज में देखने को मिल जाएगा आपको, जॉब से लेके आप चले जाओ और फिर उसके बाद करप्शन की बात आ जाए, तो छोटी से छोटी चीज में हर चीज में आपको करप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि पैसे फेंकेंगे तो हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं ने ये मुद्दा उठाया है सर, रोजगार क्या कहेंगे? नो सर, मैं भ्रष्टाचार को लेके नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉलिटिक्स की पार्टी है वो वोट को खरीदने के लिए पैसे दे देती है, और जो जनता है वो अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पाती है, वो छोटे से अमाउंट के लिए अपनी वोट को मतलब बेच देते हैं, उनके फेवर में चले जाते हैं, तो इसके लिए मतलब वोट खरीदे जाते हैं, ये आपका कहना ये गलत है? नो सर, हाँ सर ये गलत है कि हम उनकी वोट को अपने बारे में हम उन्हें बता सकते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उसे हमें करना चाहिए, ना कि उन्हें पैसे दे के हम वोट को खरीद लें, ये बहुत गलत है, तो इसके लिए हमें कंपेन अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि जो जनता है वो अपनी वोट की कीमत को समझ सके। नहीं तो जो वादे करते हैं वो भी क्या वोट खरीदने में आता है सर? लाइक वॉट? नहीं, जैसे वादे करे जाते हैं कि हम आपको है ना 8,000 रुपए महीना देंगे, 1,00,000 रुपए साल देंगे। नो सर, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आप हमें वोट करो, हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं, तो सर ये गलत है, ये वादे जो किए जाते हैं उसके बाद करे जा रहे हैं वो नहीं गलत है, लेकिन जो डायरेक्टली आप उन्हें पे कर रहे हो वोट के लिए वो गलत है।
अच्छा पैसे देकर वोट जो खरीदे जाते हैं, आप भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठाया, आप क्या कहते हैं? सर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा अभी जैसे प्रधानमंत्री की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अब जैसे इनमें बहुत सारी राशियां ऊपर से आती हैं, सरकार ने मंजूरी दे दी राशियों को और वो राशियां वहां से डिस्बर्स हो गई, बट जब नीचे लेवल तक वो पहुंचती हैं तो वो राशियां उस अमाउंट जो डिस्बर्स हो रहता है वैसे नहीं पहुंचती, वो जैसे जैसे विभाग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो राशियों का विभाजन होता है और वो राशियां इतने कम अमाउंट में पहुंचती है कि वो काम पूरा हो नहीं पाता। अब जैसे अभी घर पे यहाँ भी बहुत सारी स्कीमें चल रही, जैसे घर की योजनाएं चल रही थी, अभी बाहर में शौच घर, हाँ सबको घर चल रहा था, बाहर में शौच ना करने के लिए वो शौचालय बनाए जा रहे थे, उनके पैसे आते तो वहाँ से बहुत सारे डिसबर्समेंट है जैसे बहुत सारे करोड़ों में हो गए अभी, पर यहाँ पे जब नीचे लेवल तक आते हैं तो वो इतने कम अमाउंट में आते हैं कि वो काम ना सही से हो पाता है ना कुछ। अब आज भी गांव में चले जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, जैसे मैं अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ, अब अनूपपुर चले जाइए तो वहाँ पे जो काम इतने बेकार हुए हैं कि जिन लोगों ने शौचालय बनवा लिए बट वो सिर्फ नाम के शौचालय हैं उन पर, और वो पर्चियों में दाखिल हो गया कि भैया शौचालय बन गए पर वो आज किसी काम के नहीं है। आज भी लोगों की स्थिति वही है कि उनको बाहर जाके वो सब चीजें करनी पड़ रही है। नहीं, मगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि हमने इसमें पारदर्शिता रखी हुई है और अब जो डायरेक्ट खाते में सीधे भिजवाया जाता है पैसा, तो भ्रष्टाचार पर कैसे? सर वो पारदर्शिता सिर्फ ऊपर कागजों की पारदर्शिता है, अंदर आप जब मतलब आज भी वो सब चल रहा है, वो सब चल रहा है जो पहले चलता था। जी हाँ बिल्कुल चल रहा है, अगर आपको इसकी जानकारी मतलब अगर सरकार चाहे इनिशिएटिव लेना चाहे और इसके बारे में पता चला है तो उनके बारे में जांच होनी चाहिए। आप अनूपपुर से, बहुत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो वहाँ आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों की समस्याएं क्या हैं जिनसे वो रोज डेली जूझ रहे हैं? सर समस्याएं तो बहुत हैं, अब जैसे हमारे जो नेता थे माननीय बिसाहूलाल सिंह, पहले वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और सबसे पुराने नेता हुआ करते थे, अब वो चले गए हैं बीजेपी में, जो कि आपको भी पता है कि जो भी खरीद फरोश चीजें जो भी है, अब जो पब्लिक की डिमांड है वो नेता इतना हाई लेवल पे जा चुका है, आज मंत्री के पद पे जा चुका है कि उनके तक वो हमारी बात पहुंचाना और चीजों को लेके जाना बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, उन्हें जीतने के बाद उपलब्ध नहीं हो पाते नेता जी? जी, जीतने के बाद कभी उपलब्धता उनकी हो नहीं पाती, चाहे वो कहीं के भी नेता हो चाहे वो कोई भी मंत्री, उपलब्धता इनकी और हमारी परेशानियां हम पहुंचाने भी जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उपलब्धता है नहीं तो हम पहुंचा पाएंगे। अच्छा, किसानों की बात चलती है तो किसानों को आप देखते होंगे, आप वहां से रूरल एरिया से हैं तो क्या समस्या देखते हैं? सर किसानों को बहुत समस्या है, जैसे हमारे एरिया ऐसा है कि जहां पे खेती जो होती है, खेती का समय ऐसा है सर कि वहां पानी की समस्या बहुत है, पानी की समस्या के चक्कर में लोग क्या करते हैं खेत अपना कोड़ देते हैं और उसके बाद पानी का जब बरसात होती है उसके इंतजार होती है, पानी की समस्या है, लोगों ने अपना पानी की समस्या को लेकर वहां तक सिंचाई विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गए भी हैं लेकिन आज तक वो चीजें कभी ऐसा हो नहीं पाए कि इरिगेशन टेक्नोलॉजीज वहां तक पहुंच पाए। आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, इरिगेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और अब चाहे तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम बना के खेत तक पानी पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी इंदौर में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हर घर नल योजना की ये भी बात चल रही थी, तो वैसे ही प्रोजेक्ट्स आप खेत तक भी पहुंचा सकते हैं बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और किसानों की इनकम पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और वो बहुत मजबूर है। अच्छा, जैसे कि मान लो आप अगर जनप्रतिनिधि बनते हो तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में क्या ऐसा करना चाहोगे कि लोगों की परेशानी कम हो? सबसे पहले सर जैसे हमारा क्षेत्र जो है वो आपको पता होगा कि कोल इंडिया से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है क्षेत्र है, कोल इंडिया वहाँ पे बहुत ही मतलब अधिकतम उसमें है, ज्यादा एरिया उसका कवर है, जिसकी वजह से माइंस कोल माइंस हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ से स्थानांतरण कर रहे हैं एक वहाँ पे, क्योंकि सरकारी जमीन पे आप कब्जा करके तो रह नहीं सकते, आपको खुद का घर चाहिए, खुद की जमीनें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। अभी मोस्टली जो 90% एरिया मान लीजिए, 90 तो ज्यादा हो गया, 70% एरिया कोल इंडिया के भरोसे चल रहे हैं, वो हॉस्पिटल कोल इंडिया के हैं, जमीनें कोल इंडिया की हैं, फैसिलिटीज कोल इंडिया की हैं, बसें कोल इंडिया की हैं, बट अगर आप सरकार भारत सरकार की देखेंगे या स्टेट गवर्नमेंट की देखेंगे वहाँ पे फैसिलिटीज ये नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल चल जाए, अनूपपुर का सरकारी अस्पताल, इतनी फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे एम्बुलेंस, अगर फोन कर लीजिएगा आपको जानना है ग्राउंड रिपोर्ट जानना है तो आप एक बार चले जाइएगा। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम सारे दावे करती है विकास के और लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और विकास के, परंतु आप कह रहे हो कि वहाँ का क्षेत्र पूरी तरह बिछड़ा हुआ है। बिल्कुल बिछड़ा हुआ है सर, लोग वहाँ से स्थानांतरण करने पे इसीलिए मजबूर है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कॉलेज नहीं है। अगर आप चाहें कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पाए यहीं पे रहकर, तो कॉलेज नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ के लोग अगर जैसे पिछड़े वर्ग से हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका बच्चा शहर जाए पढ़ाई कर पाए दूसरे बड़े कॉलेज में, तो वो चाहते हैं कि उनके एरिया में ही कॉलेज हो ताकि वो घर पे ही रहकर पढ़ाई कर सके, बट वहाँ कॉलेज ही नहीं है, स्कूल भी नहीं है, स्कूल है केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में मिनिमम सीट्स हैं, कितने बच्चे जाएंगे। रोजगार एक समस्या आपने उठाई थी कि बेरोजगारी एक बात है,
किस तरह का आप चाहते हैं? सर जैसा कि अभी सरकार ने CAA लाया है तो इसमें बाहर की जो कोई भी धर्म से जुड़े लोग होंगे वो आएंगे। सर पहले तो भारत में रोजगार के लिए मारामारी हो रही है, रोजगार के लिए हर कोई चिल्ला रहा है कि रोजगार नहीं है, यूथ घूम रहा है इधर उधर। और दूसरी चीज, जब CAA लागू होगा तो दूसरे जगह से जो लोग आएंगे उन्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनके भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सरकार सीधा सा अपना वोट बैंक बना रही है और दूसरी चीज की सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि जो देश में जो यूथ हैं उनको रोजगार मिले। अब बाहर से जो आएंगे उन जो अंदर है पहले किस तरह से रोजगार मिले, क्या होना चाहिए आपके सर? जैसे कि कोई बीटेक कर रहा है, बीटेक करने के बाद वो पकौड़ा छान रहा है और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पकौड़ा छानो, तो ऐसा ऐसा लॉजिक होना सर अच्छी बात नहीं। और देश का प्रधानमंत्री होना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, बिहार में एक इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ बहुत पिछड़े जगह, मतलब यहाँ तो कुछ ज्यादा तक है लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री है वहाँ के लोग एकदम ट्रेन में, आप जब ट्रेन देखते होंगे तो ट्रेन में भर के ऐसे जाते जैसे सामान को भर दिया जाता है। और बिहार से सूरत और गुजरात मतलब जगह जगह पलायन करते हैं लोगों वहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, न कि दूसरे देश के नागरिकों को भारत में बुलाए और फिर से वही सिस्टम भारत को बर्बाद करे और अपने वोट बैंक बनाए। रोजगार के कारण पलायन होता है युद्ध, आप बताइए कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं रोजगार? सर रोजगार तो मतलब पहले के मुताबिक देखा जाए तो इस बार तो बहुत कम हुआ है। पहले आप देखोगे कि लोगों को खाना खाने का मौका भी नहीं मिलता था। अब मोदी जी ने क्या बोलते हैं, सबको अनाज भी प्रोवाइड किया। आप कोविड का भी ले सकते हो कि बाकी देश क्या बोलते हैं, लोग मर रहे थे खाने की वजह से, पर अपने मोदी जी ने क्या बोलते हैं सभी को फ्री में अनाज दिया और सबको हॉस्पिटल में भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई। ये बात तो ठीक है कि दवाइयाँ मतलब सही समय में उपलब्ध नहीं हो पाई क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट भी बंद था और मतलब तमाम सारे काम किए, मगर आप क्या चाहते हो कि युवाओं के लिए और क्या ऐसा सरकार करे? मेरे हिसाब से तो ट्रेनिंग और अच्छे से हो, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो मतलब फील्ड में आप सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करो, मतलब स्किल्ड जॉब। हाँ स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, जितनी ज्यादा आप स्किल्ड जॉब करोगे इतनी ज्यादा आपका मतलब पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है अगर देखें तो गठबंधन की राजनीति चल रही है विपक्ष की, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पूरा विपक्ष गठबंधन है, तो इस पूरी पॉलिटिक्स को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? इस पूरी पॉलिटिक्स को तो क्या है कि जो काम करता है उसको ही वोट देना चाहिए। कौन कर रहा है काम? काम तो अभी दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, दिख भी रहा है कि भाई रोड बन रहा है, पानी भी आ रहा है, बस ये है कि जो छोटा किसान है वो पिस रहा है, उसको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। बड़ा किसान और बड़ा होते जा रहा है, छोटा किसान और ढलते जा रहा है, तो ये है कि छोटे किसान को वो सारी सुविधाएं मिले जो बड़ा किसान पहले ही ले लेता है, छोटा किसान नहीं ले पाता। किसानों को समस्या है, महिलाओं की सबसे ज्यादा बात होती है, हर गवर्नमेंट हर राजनीतिक दल महिलाओं की बात करता है, आधी आबादी है। सर पहले से अगर आप कंपेयर करते हैं तो अभी तो मिल रहा है लाभ, तो उनको मिल रहा है, लेकिन बात ये होती है कि अगर आपको देना है लाभ तो ऐसे एरिया से शुरू करें जहाँ पर वो नहीं है वहाँ से। जैसे कि अगर विकास की बात करते हैं तो हम शुरू वहाँ से करते हैं कि आप पावर में आ चुके हैं, पावर में आने के बाद आप वहाँ से विकास शुरू करते हैं जो ऑलरेडी विकसित है, आप वहाँ पे ध्यान ही नहीं देते जहाँ पर जरूरत है, तो शुरू वहाँ से करना चाहिए। ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर के रूरल एरिया की बात करें? सारे ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ से शुरू करना चाहिए कि जबकि सरकार पावर में आने के बाद अर्बन से ही करती है। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पर माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, रूरल एरिया में विकास नहीं हो रहा, इसलिए? सर माइग्रेशन तो नहीं हो रहा, पर जिस स्टैंडर्ड से उन लोगों को रहना चाहिए, एक मिडिल स्टैंडर्ड होता है उससे भी नीचे उसमें रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा आप अपने एरिया में आसपास देखती होगी जो विकास की बात तमाम सारे दावे करते हैं, राजनीतिक दल और नेता लोग दावे करते हैं, क्या आपके आसपास वो विकास हो रहा है? जी अगर बात करें विकास के जो दावे किए जाते हैं और असली जो प्रमाण दिखते हैं तो उनमें ज़मीन और आसमान का फर्क हमें साफ साफ नज़र आ जाता है। बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं या पार्षद हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं, जनता के मन में उम्मीद जगाते हैं, किंतु उनमें से काम सिर्फ कुछ ही दिख पाते हैं, और वो जो काम दिख भी रहे होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ आ जाती हैं। कुछ ऐसी पार्टी ज़रूर हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम करती हैं, और अगर हम बात करें हमारे अभी प्रधानमंत्री जी की भी, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ भी लागू करवाई हैं, बहुत सारे ऐसे
कार्य करवाए हैं जिससे कि हमारे देश में उन्नति हो रही है, हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। इसी के साथ साथ भारत का जहाँ विदेशों में नाम भी नहीं लिया जाता था, अभी भारत को बहुत सम्मानपूर्वक बोला जाता है। तो विकास तो हो रहा है पर हमें और विकास की ज़रूरत है। इसके लिए हम ये चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में जैसे आपस में लड़ते रहते हैं तो आपस में एक सूझबूझ करके अगर हम सभी पॉलिटिक्स जो पार्टी हैं वो अपना स्वयं के बारे में ना सोच के थोड़ा देश के बारे में भी सोचें तो ज्यादा अच्छा विकास होगा। मतलब मुद्दों पे बात करें। जी मुद्दों पे बात करें ना कि आपसी जो आपके अनुसार मुद्दों पे बात नहीं होती तो किन चीज पे बात होती है? सर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बातें जो होती हैं पॉलिटिक्स पार्टी में वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की होती है, अपनी गलतियां ना देखते आरोप प्रत्यारोप। जी आरोप प्रत्यारोप यही स्कीम ज्यादातर फॉलो होती है, खुद के गलतियां ना बताते और नए विकास या नए सुधार जो हो सकते हैं उन पर बहुत कम ही चर्चा करती है। आप बताइए कि किस तरह से आप इसको पूरे नजर से देखते हैं इन चुनावों को? सर सबसे पहले तो हमें चुनाव में ये ध्यान देना चाहिए कि जो चुनावी रहते हैं अगर जीत जाते हैं तो अपने रिलेशन वालों को टिकट देते हैं और उनको सिर्फ ऐड करना चाहते हैं वो लोग। हाँ। बाकी जो दूसरे लोग रहते हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान, मतलब परिवारवाद चलता है। हाँ सर इसमें ये लोग अपने में ही पॉलिटिक्स खेल लेते हैं और किसी और को मौका नहीं मिलता। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। हाँ सर। और क्या होना चाहिए सर इसमें? जैसे कि हमारे भाई ने सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उम्मीदवार का? सर वही एजुकेशन के हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए सर ना। और अगर कोई पढ़ा लिखा ही रहेगा तो वो सबको देखेगा, सबको इक्वलिटी के हिसाब से देखेगा, सबके हिसाब से देखेगा। अच्छा एक और बड़ा मुद्दा आता है, धार्मिक मुद्दा होता है, खासतौर से राम मंदिर का मुद्दा आया है। और तो सर जो सरकार बन रही है तो उसको तो इन सब में नहीं देखना चाहिए ना, सबको एक समानता के अनुसार देखना चाहिए। ये धर्म और अगर करेंगे तो आपस में लड़ाई होगी ही, तो हमें धर्म पे ध्यान ना देखें। आप क्या बोलना सर? जैसे कि सब बोलते हैं कि ये मतलब आजकल होते हैं कंपटीशन लेवल, ठीक तो आजकल तो कंपटीशन लेवल के हो रहे हैं। एग्जांपल सरकार जो सीट निकाल रही है, कम सीट निकाल रही है, उसमें भी कुछ बच्चे को एक या दो मार्क्स से मतलब छाट दिया जा रहा है। और वही जब एसटीएससी के साथ होता है ये एक दो सीट से छाट दिया जाता है तो उन लोग के साथ ये क्यों नहीं होता है? उन लोग के साथ क्यों नहीं? और वही होता है उन लोग को मतलब सीट में पैसा देने, पैसा जब धांधली का बात आता है तो धांधली में मतलब पैसा जब होने लगता है तो वो होता है क्या कि कंपटीशन लेवल पे जो बच्चे होते हैं मतलब जो कर रहे हैं उन लोग से मतलब कुछ पैसा लेके उन लोग को दे दिया जाता है, पर जो ये नहीं जो मेहनत करते हैं उन लोगों को क्यों नहीं देखा जाता है? तो आपकी नज़र में सरकार जब आप चुनोगे तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार को क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जो आपके लिए सही है? वो जिस तरह से खुद मतलब रह रहे हैं मतलब पैसा देखते हुए अर्बन एरिया जैसे रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र तो मतलब वो ना देखे कुछ जो गरीब लोग हैं उन लोगों को पैसा दे। और वो भी हो सकते हैं तो जैसे खेत है जिनके, गरीबों को तो दे रहे हैं पैसा, तमाम सारी योजनाएं चल रही है, उतना नहीं ना दे रही जितना ऊपर से आ रहा है उन लोग को। तो कहाँ जा रहा है वो? उन लोग खुद धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ आराम से हो रहा है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार तो नहीं, कैसे नहीं हो रहा है? हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे? सर ये कह रहा था कि जैसे कि कोई भी स्कूल से रहते हैं अगर नॉर्मल घर का लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो उसमें देखते हैं कि फीस बहुत ज्यादा रहती है, कोई भी स्कूल हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हर कोई पढ़ सके और जैसे कि कोई सब्सिडी टाइप का हेल्प निकाले उनके लिए। तो मतलब कुल मिला के एक फीस बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, इसके साथ रोजगार भी एक मुद्दा है। तो ये युवा मतदाता हैं भोपाल के और इनका कहना है तमाम सारे मुद्दों से अलग हटके भ्रष्टाचार की जो बात होती है कि भ्रष्टाचार रोका जाए, मगर वो भ्रष्टाचार आज भी नहीं रुक रहा है और विकास जो कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो आज भी उतना नहीं हो पाया। विकास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोजगार की भी तमाम सारी ज़रूरत है, तमाम सारे मुद्दे इन युवा मतदाताओं के हैं। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे।